दोस्तों को वेलकम है स्टॉक टिप्स में। आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके दोस्तों ज्ञान और प्रॉफिट बनाने का मोटिव हम बना रखे हैं। जैसे आपने देखा है दोस्तों थंबनेल में मैंने दिया है रिलायंस है तो सावधान हो जाओ। तो दोस्तों अभी तक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है दोस्तों, सबसे बड़ा एक कैपिटल इंडस्ट्री है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई खबर आती है तो दोस्तों आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सतर्क होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं तो शेयर मार्केट में उनके अपने शेयर भी खरीदे होंगे। अगर नहीं खरीदी किए तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर शेयर खरीदे तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ और कुछ बातें निकलने वाली है जिसके कारण आपका थोड़ा सा जो ब्रेन है शॉक में चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में जो करंट लेवल चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों थोड़े काबिले तारीफ था, क्योंकि उसमें जो रीबाउंस लिया था दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। अगर मेरा किसी ने वीडियो देखा होगा पिछला तो दोस्तों वहाँ पे आपने जाना होगा कि मैंने लेवल्स दिए थे 700-800 के, उस लेवल को मार्केट टच करता हुआ यहाँ से फिर से घुमा और मार्केट आज लगभग आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा। मगर दोस्तों आपको अभी इसलिए टेंशन आने वाली बात है क्योंकि दोस्तों मार्केट का जो लेवल है वो क्या काम कर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री का क्या काम कर रहा है। तो दोस्तों ये दोनों का तालमेल थोड़ा सा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ पे ढेर सारी बातें करेंगे टेक्निकल चार्ट पे, और आपको मिलेगा वहाँ पे एक मौका जिससे आपको समझेगा या बाय करना है सेल करना है फिर वेट एंड वॉच का स्किल लेके बैठे रहना है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन उसे ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके पास पहुँच जाएगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बनने का मोटिव और ज्ञान बनने का मोटिव बनाया रहेगा। दोस्तों अपने दूसरा शेयर ना करना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्रॉफिट बन रहा है आपके दोस्तों का भी बनना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री के। दोस्तों अभी हमारे टेक्निकल चार्ट पे देख रहे दोस्तों किस तरह से हमें रुझान देखने मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बनाया था उन्होंने हाई 1617 रुपए का। दोस्तों इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो इस बात का था कि अभी यहाँ से जो सऊदी अमारको है उन्होंने उनके साथ साझेदारी की है, और उसके बाद में एक खबर आई थी जो कि बहुत ही बढ़िया थी दोस्तों। खबर आई थी लगभग ये देखिए यहाँ पे नवंबर के आसपास में खबर आई थी कि वहाँ पे जितने उनके फैमिली मेंबर्स हैं अभी रिलायंस इंडस्ट्री में जितने फैमिली मेंबर्स हैं मुकेश अंबानी जी के फैमिली मेंबर्स वो अभी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं। तो उसके बाद हमने टारगेट दिए थे दोस्तों 1600 रुपये के। देखिए दोस्तों उसके बाद टारगेट हिट हुआ, फिर एक बार हिट हुआ, फिर यहाँ पे हमने कहा था 1600 रुपये इज द लास्ट टारगेट ऑफ दिस रिलायंस इंडस्ट्री, यू शुड बी एग्जिट फ्रॉम दैट लेवल्स, ऐसा मैंने कहा था दोस्तों। उसके बाद आप कंटिन्यूसली देख सकते हो इसमें क्या बड़ी गिरावट दिख रही है हमें। ये देखिए दोस्तों ये तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण इतना तो गिरावट आया, तो ये ठीक है दोस्तों। जिसके बाद अभी गिरावट के बाद की जो लेवल्स है आपके सामने दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने आपको बताए थे लेवल्स के बाद अभी लेवल्स आपको दिख ही रहे होंगे। मगर दोस्तों अभी तो सब जन खुश हो गए क्योंकि मार्केट में अभी लेवल आ रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने एक लेवल डाला था जो कि कहा था उसमें 700 से लेके 800, 800 से लेके 700 ये लेवल में खेलेगा और इसके बाद में ये रैक बनेगा, रॉक बनेगा, और वैसे हुआ दोस्तों ये रैक बनते गया और ये रॉक बनते गया, जिसके कारण आज आपको ये लेवल मिल रहा है। मगर दोस्तों अगर आप इसमें होल्डिंग बनाए ही या फिर आप होल्डिंग लेने का सोच रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी रॉकिंग है तो वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री रॉक करेगी, तो दोस्तों आप थम जाइए, रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके सामने थोड़ा सा खुलासा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो लेवल निकल के आ रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा होगा कि दोस्तों अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मगर दोस्तों ध्यान रखिए ये मार्केट अभी नीचे आने की फुल तैयारी में लगा पड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको बढ़िया सा बढ़िया मौका मिलेगा आपको रिलायंस इंडस्ट्री में, मगर दोस्तों फिलहाल जो रिलायंस इंडस्ट्री में आपको जो लेवल्स दिख रहे दोस्तों वो बढ़िया लेवल नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल नहीं, मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पर्सनल स्टडी है दोस्तों। इसके बावजूद मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बनाए हैं तो या फिर निकालने हैं या फिर आपको अभी भी बाय करना तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो किस कदर आपको बाय करना है सेल करना है हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए दोस्तों यहाँ से जो अभी चार्ट बनाए चार्ट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए चार्ट यहाँ से बनाए दोस्तों, ये देख रहे आपका जो लेवल रहा है दोस्तों उसको ये होल्ड नहीं कर पा रहा है दोस्तों, जो लेवल है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा। देखिए दोस्तों आपके सामने फिर से रखने की कोशिश करूंगा कि देखिए लेवल्स है, लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है मार्केट, अभी भी नीचे साइड में ट्रेड करने की पोजीशन पे। देखिए आज यहाँ से मार्केट ने आज इस रेड कैंडल को ब्रीच करना था, नहीं कर पाया, सक्षम नहीं था। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 या 4 कैंडल्स ग्रीन वाले बननी चाहिए थे फटाफट,
देखिए यहाँ से पूरा टोटल चार कैंडल बनी, एक दो तीन, ये चौथी कैंडल थी जिसके बदौलत इसको ब्रेक करना था, क्रैश करके निकलना था आगे, मगर दोस्तों ये कैंडल सक्षम रहा जिसके कारण आज हमें जो दिख रहा है दोस्तों डेटा, उस डेटा में गिरावट के दौर हमें दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आपको प्रिपेयर रहना है क्योंकि देखिए अभी ये शेयर है वो 50 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये 50 डेज एवरेज जैसे कल या फिर वर्षा टूटेंगे दोस्तों एग्जिट करना है आपको, रुकना नहीं है मार्केट में, क्योंकि दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया मौका मिलेगा आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री में बनने के लिए। मगर दोस्तों प्लीज़ आप फिलहाल के लिए तो इसमें से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में आपको फिर से 800 के लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल चार्ट बता रहा है कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हुआ आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से और एक गिरावट आनी है मेरे में। इसी सिंपली ऐसे उन्होंने सिग्निफाइंग दे दिए, ऐसा सिग्नल दे दिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में, दोस्तों आपको प्रिपेयर रहना है। देखिए दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने पर्सनल स्टडी की है, मुझे मालूम है ये किस तरह से काम करता है टेक्निकल चार्ट। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको लेना चाहते हैं, बाई सेल करना है या पोजीशन में रहना है या फिर उसको वेट एंड वॉच करके डाउन साइड में लेना है। दोस्तों मेरा काम है प्रेजेंट करने का, ये देखिए दोस्तों मैं आपको इन्फोर्स नहीं कर रहा, बाय कर लीजिए या फिर इसके सेल कर लीजिए या फिर मेरा किसी से शेयर के साथ या किसी कंपनी के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, जस्ट एंड दोस्तों मैं यहाँ पे टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से इसमें आने वाले दिनों में रुझान देखने मिल सकते हैं हमको। दोस्तों डाउन साइड में आपको 800 रुपये के टारगेट है दोस्तों, यहाँ से थोड़ी गिरावट आपको और दिख सकती है दोस्तों, तैयार रहिए क्योंकि दोस्तों देखिए 1200 रुपये का जो लेवल है और 1150 का जो लेवल है दोस्तों बहुत अहम लेवल है, इनको होल्ड करना है, नहीं होल्ड कर पाता है 50 डेज ईमे मूविंग एवरेज टूट के नीचे जाता है दोस्तों, ये फिर बड़ा धोखा हो जाएगा जो इन्वेस्टर उनके साथ। तो दोस्तों और एक कार 15 दिन ये शेयर नीचे रह सकता है दोस्तों, क्यों ना हम उसको नीचे खरीदें और ऊपर में प्रॉफिट करके भेज दें। तो दोस्तों ये था पूरा टेक्निकल, आपको समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ से जितने भी टारगेट सामने दिए थे हमारे क्लाइंट्स को या फिर हमारे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर को या फिर हमारे जो पेड क्लाइंट्स उनको जितने भी टारगेट देते दोस्तों हम पेड के लिए हम टारगेट हिट के लिए काम करते हैं जिसके कारण लोगों का पैसा बनता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस कदर अभी इसमें गिरावट देखने मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एनएसई के डेटा देखने के लिए, क्या एनएसई के डेटा में हमें देखने वाला है। दोस्तों हम अभी आए एनएसई, दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों रखता हूँ, देखिए दोस्तों मैं ट्रू डेटा रखता हूँ आपके सामने जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, जिसके कारण आपको समझ में आसानी हो सकती है कि ये डेटा जो है एक्चुअली ट्रेड करके आया हुआ है या फिर दिन भर का डेटा निकलने के बाद ए एंड ऑफ द डे निकला हुआ कंक्लूजन है। तो दोस्तों देखिए 1217 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड किया है मार्केट ने और 2.15% बढ़िया से बढ़िया लेवल दिखाने के बाद ये शेयर अभी तैयार हो गया है नीचे साइड में एक गोती मारने के लिए। तो दोस्तों देखिए इसका प्रीवियस क्लोज देखिएगा दोस्तों तो 1192 का है, लगभग 1200 के आसपास वाला क्लोजिंग था उसका, फिर उसके बाद उसने जो ओपनिंग दिया दोस्तों वो देखिए 1214 का थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे दिया और आज का क्लोजिंग देखिए दोस्तों 1219 का ही एडजस्टेड क्लोजिंग होता है। देखिए दोस्तों ये ओवरऑल आप देखेंगे तो बढ़िया सब ठीक ठाक लग रहा है सबको, मगर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हमें जो सेटिस्फैक्ट्री चीज़ आती है वो है कि इसमें हमें कैसे समझ में आता है बाइंग के लिए जाना है या फिर हमें इसमें सेलिंग करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एनएसई डेटा यूज़ करते हुए हम बता रहे हैं आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी एंड ऑफ द डे में सेलिंग के लिए खड़ी थी 7596, बायर खड़े नहीं है दोस्तों यहाँ पे, आप समझ में आई होगी आपके बात क्योंकि इतना बड़ा शेयर है, मगर दोस्तों इसमें जो टेक्निकल रुझान देख रहे हैं इतनी जो रैली आई बड़ी बात है, अच्छी बात है, इनका प्रॉफिट बनाओ, मगर दोस्तों आप सावधान हो जाइए क्योंकि अभी आपको इसमें डरावना खौफनाक मंजर दिखने वाला है। तो देखिए एक करोड़ 51,01,711 यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों, तो आपको समझना है यहाँ से कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 1,51,01,711 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है, उसमें से कितनी क्वांटिटी डिलीवर्स में गई है देखिए दोस्तों 45,43,136 यहाँ पे क्वांटिटी डिलीवर्स में गई है। एज ए परसेंटेज देखा था जो दोस्तों यहाँ पे 30.08% कन्वर्जन डिलीवरी है परसेंटेज में, जो कि दोस्तों बढ़िया शेयर है, सब बढ़िया चीज़ें हैं, लगभग इसमें 50% के ऊपर हमेशा डिलीवरी बाइंग रहती है, डिलीवर्स रहती है शेयर्स की, मगर दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो इसमें हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, डेटा कमज़ोर दिख रहा है। तो डेटा कमज़ोर का एक ही मीनिंग होता है दोस्तों यहाँ से शेयर में आने वाली कमज़ोरी।
दोस्तों ये आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि अब यहाँ से हमें कमजोरी दिखने वाली है। तो दोस्तों सतर्क रहिए और प्रॉफिट के हिसाब से चलिए मार्केट में, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उनका भी प्रॉफिट बनना चाहिए। और मैं फिर से उनके लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे को सब्सक्राइब करने की वजह से जो मेरे को इनकरेज मिल रहा है दोस्तों, उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।